मूवी की बात रही तो कह रहे हैं अलबत इतने बेवकूफ है, मैं आपको क्या बताऊं, अलबत इतने बेवकूफ है, मैं आपको क्या बताऊं। तो बिल्कुल देखिए भक्तों की चाल उन्हीं पर उलट हो गई। कहते हैं ना कि आप अगर किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो आप खुद उसमें गिर पड़ोगे। इन्होंने सोचा था कि पठान मूवी के कंट्रोवर्सी पे ये टीआरपी लेंगे। नो डाउट उन्हें टीआरपी मिली, भक्तों का नाम हर चैनल पे फेमस हो रहा है, भक्त 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 आप देखिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शाहरुख खान का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन हो गया। मैंने आज तक शाहरुख खान की कोई भी मूवी थिएटर पे नहीं देखी है, पर इस बार मैं खुद भी अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी और पठान मूवी को देखूंगी। नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सुपर न्यूज 24 कोलकाता में। मैं आपके साथ यूहिन असलम। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वो मुद्दा है SRK। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि SRK को बॉलीवुड का किंग माना जाता है, परंतु बॉलीवुड का किंग माने जाने पर भी उनकी मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ पठान मूवी के बारे में। आखिर पठान मूवी में ऐसा क्या है जो उसको बॉयकॉट किया जा रहा है? तो इसी विषय पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मिस आफरीन अंसारी से। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि पठान मूवी पर जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है ये बहुत ही मतलब ये मजाक वाली बात बन गई है। वो गाना जो था बेशरम रंग, पठानों की सॉरी अंध भक्तों की बेवकूफ़ी तो देखिए कि वो बेशरम रंग से ये समझ गए कि किस रंग के बारे में बात हो रही है। क्योंकि 2014 से ये सारे लोगों को पता है कि आखिर कौन सा रंग जो है बेशरम बना हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रंग जो है वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप आमिर खान की मूवी को ही ले लीजिए, आमिर खान की मूवी में किसी भी किस्म के रंग का कोई विषय ही नहीं उठा था, मगर फिर भी लाल सिंह चड्ढा को भी बायकॉट करने की बात उठी थी। तो अगर यहां पर पठान मूवी को बायकॉट करने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इसमें ऐसे लोग जो चाहते हैं कि देश में दंगे हो, जो चाहते हैं कि लोगों में कॉन्ट्रोवर्शियल व्यू होता रहे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वो TRP बटोरे, वो एक ना एक मुद्दा निकालते ही जा रहे हैं। ये कहना चाहूंगी कि वो लड़की अगर भगवा कलर का जो भी पहनकर है, ड्रेस पहनकर रिपोर्टिंग कर रही है, तो इससे ये साफ होता है कि इन्हें रंग से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इन्हें प्रॉब्लम खानों से है, इन्हें प्रॉब्लम जो है वो दरअसल मुसलमानों से है। आप देख लीजिए ना सेवलॉन जो आता है जिससे लोग नहाते हैं वो पूरी बॉडी में लगता है, तब तो अंधभक्त उठकर नहीं आते कि भैया सेवलॉन पर बैन लगाओ, भैया आप डिटॉल पर बैन लगाओ। संतरे के छिलकों को देख लीजिए, रास्ते पर पड़े रहते हैं, कूड़ेदान में फेंके जाते हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगी अंधभक्तों से, उसको भी आप कचड़े से बटोरिए, भैया वो भी आपके भगवा कलर को दर्शा रहा है। यहां पर रंग से कोई भी लेना देना ही नहीं है। ये इन्होंने मुसलमानों को एक मुद्दा बना लिया। अभी हालांकि अगर सलमान खान की मूवी रिलीज होगी तो भी ये कोई ना कोई एजेंडा बना लेंगे कि कैसे इस मूवी को बैन करना है और कैसे TRP उनके नाम पर बटोर। ये कल जो होगा अगर हम उनकी मानसिकता से देखें तो वो उनकी मानसिकता इतनी बेकार हो चुकी है। कश्मीर फाइल मूवी जो आई थी, जो रियल में जिन पे कंट्रोवर्सी होनी चाहिए थी, उसको भक्त सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पठान मूवी जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ये हो सकता है कि वो लोग थिएटर के बाहर वैसा ही हंगामा करें। बात अगर आप सपोर्टर्स की कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह पठान मूवी के सपोर्टर्स भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे सनातन धर्म को मानने वाले अगेंस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी पे बिलीव करते हैं, जो मूवी को एज अ एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हैं, ना कि जातिवाद कलर की बुनियाद पर। ऐसा कोई जो मुफाद ये करते हैं विवाद, ये वो लोग नहीं करते। तो बिल्कुल देखिए भक्तों की चाल उन्हीं पर उलट हो गई। कहते हैं ना आप अगर किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो आप खुद उसमें गिर पड़ोगे। इन्होंने सोचा था कि पठान मूवी के कंट्रोवर्सी पे ये TRP लेंगे। नो डाउट उन्हें TRP मिली, भक्तों का नाम हर चैनल पे फेमस हो रहा है, भक्त 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 आप देखिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शाहरुख खान का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन हो गया। मैंने आज तक शाहरुख खान की कोई भी मूवी थिएटर पर नहीं देखी है, पर इस बार मैं खुद भी अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी और पठान मूवी को देखूंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों? अगर आप ऐसा बोलेंगे कि भगवा हिंदुओं का रंग है तो भैया ग्रीन कलर के भी वेजिटेबल्स आते हैं, ग्रीन कलर का पेड़ है, हरा कलर का पेड़ है, घास है, तो फिर उस पर भी आप उस पर भी चलना बंद कर दीजिए घासों पर। मैं आपको बताती हूँ इनको प्रॉब्लम क्या है अंधभक्तों की। आप नकाब पहनिए तो इनको प्रॉब्लम, आप हिजाब पहनिए तो इनको प्रॉब्लम, और अब लड़कियाँ बिकनी पहन रही है तो इनको प्रॉब्लम। तो क्या मैं इनसे अंधभक्तों से पूछना चाहूँगी कि क्या वो लोगों को मतलब ऐसे ही बिना कपड़ों के चलते हुए देखना चाहते हैं? मुसलमान की ऑरेंज कलर की आइसक्रीम बनाते हैं तो क्या आप अंधभक्त को खाएंगे?
हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप सब चीज़ पर नहीं, इस पर ये लोग कुछ नहीं कहेंगे बिकॉज के इस पर इनको टीआरपी नहीं मिल रही है ना, क्योंकि वो आइसक्रीम का सेवन तो खुद अंधभक्त भी करते होंगे, जो ऑरेंज कलर की जितनी आइसक्रीम आती है रसना आप देख लीजिए वो अंधभक्त भी पीते होंगे, माजा देख लीजिए जिसका ऐड कटरीना कैफ भी करती है वो क्या अंधभक्त नहीं पीते? अगर ऐसा होता तो बहुत पहले इस पर कंट्रोवर्सी चल चुकी होती और अब तक रसना माजा ये सारे बैंड हो चुके होते। मूवी की बात रही तो कह रहे अंधभक्त इतने बेवकूफ़ है, आपको क्या बताऊं, शाहरुख खान ने मूवी बनाया, शाहरुख खान का बहिष्कार कीजिए, बॉयकॉट कीजिए। मैं इनको बताना चाहूंगी बॉयकॉट किसका कर रहे हैं, गौरी खान ना शाहरुख खान की बीवी है, ये अपनी ही बहन का बॉयकॉट कर रहे हैं, उसका ही घर उजाड़ने पे तुले हुए। साथ ही साथ मैं इनको बता दूं इनकी नॉलेज के लिए कि शाहरुख खान ने मूवी नहीं बनाई, उन्होंने उस मूवी पे सिर्फ एक्टिंग की है। कास्ट करने वाला हिंदू डायरेक्टर है, गाना लिखने वाला हिंदू आर्टिस्ट है, आप उन लोगों के पीछे छोड़कर आप शाहरुख खान का पीछा पकड़े हुए। लाल सिंह चड्ढा में इन्होंने आमिर खान को पकड़ा हुआ था, आमिर खान के ज्वेलरी के एड्स आते हैं तो ये बहिष्कार करने पे निकल जाते हैं। तो इनका सीधा सीधा मानसिकता इनकी जो बनी हुई है वो मुसलमान है, मुसलमानों के नाम पर अपने आप को चमकाने का काम ये पूरी तरह से कर रहे हैं। ऑफिस बॉक्स में कितना कमा लेगी? इंशाअल्लाह ताला जितना इन्होंने जितना जोर लगाया था इसकी टीआरपी को गिराने में, मुझे लगता है कि पठान मूवी पहले जितना नहीं हिट होने वाली थी। अब देखिए अभी जो पठान मूवी है उसने केजीएफ जो मूवी इतनी चली थी, लोगों ने उसको इतना प्यार दिया था, जब उसने उसका रिकॉर्ड, सिर्फ ट्रेजन ने जब उस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब मूवी बॉक्स ऑफिस में रिलीज़ होगी, लोग जाएंगे देखने, तो वो कितनी हिट होगी। ट्रेंड चला हुआ है, इससे बॉलीवुड को आखिर क्या नुकसान पहुंच रहा है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये जो मुसलमानों के नाम पर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ है, शाहरुख खान या सलमान खान आमिर खान हमारे धर्म का अपमान